तो आज का जो टॉपिक है मेकिंग हैप्पीनेस ए हैबिट लाइट द कैंडल ऑफ हैप्पीनेस इफ यू आर नॉट लाइटिंग एनी कैंडल ऑफ हैप्पीनेस एंजॉय देन यू हैव नो राइट टू कंप्लेन अबाउट द डार्कनेस ऑफ डिप्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट्स अगर आप जोत नहीं जगाते खुशी की तो गम ना हो ये हो नहीं सकता इसीलिए शास्त्रों में कहा तमसो माँ ज्योतिर्गमे कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं और हैप्पीनेस है क्या इसकी चर्चा हम चार दिनों से सुन रहे हैं कि हैप्पीनेस इज द इनर क्वालिटी एंड ए स्टेट ऑफ माइंड एक स्टेट ऑफ माइंड है ये भीतर से आती है एक वैसल है एक बर्तन है जो ढका हुआ है इच्छाओं से झका हुआ है जैसे ही कोई इच्छा पूरी होती है तो ढक्कन हटता है और भीतर से खुशी प्रकट होती है लेकिन खुशी तब तक नहीं हो सकती जब तक इट शुड बी कपल्ड विद पीस आल्सो अगर आपका मन अशांत है तो दुनिया का कोई पदार्थ आपको शांत नहीं कर सकता खुशी नहीं दे सकता इसीलिए कहा हुआ है खुशी जैसी खुराक नहीं गम जैसा रोग नहीं तो क्या जो संसार के एफ्लुएंट कंट्रीज़ हैं जो रिच कंट्रीज़ हैं अमेरिका जैसे क्या वहाँ सब सुखी हैं अगर बाह्य रिचनेस देखी जाए तो वहाँ रिचनेस तो बहुत है लेकिन जब तक भीतर की शांति नहीं होगी तब तक खुशी हो नहीं सकती आप देखिए हमारी दादी जानकी जी जिनका स्वभाव हो गया है हैप्पीनेस चेयरफुलनेस पवित्रता ये सब कहाँ से आई उस परमेश्वर से हैबिट है क्या ये अनकॉन्शियस पैटर्न है आप बिहेवियर जो हम रेपिटेशन से अक्वायर करते हैं यहाँ पर भी हमें यही शिक्षा बार बार दी जा रही है कि हम इसको अपना स्वभाव संस्कार बनाएं, उसको रिपीट करें अपनी ज़िंदगी में यू कैन इम्प्रूव योर हैप्पीनेस दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि हम सब अपनी खुशी को इम्प्रूव कर सकते हैं जेनेटिकली मैं जेनेटिक्स का पीएचडी मेरी जेनेटिक्स में है तो जेनेटिक्स में हर एक की डीएनए डिफाइंड है जब हम जन्म होता है तो सारी लाइफ लॉन्ग वही डीएनए कहते रहता है ये यूनिकनेस है हमारे भीतर लेकिन इट कैन बी चेंज विद दी एनवायरनमेंट तो अगर हम उसको आप देखो एक ही माँ बाप उनके दो बच्चे चार बच्चे फैक्ट्री सेम है मैन्युफैक्चरिंग की लेकिन फिर भी उनके स्वभाव संस्कार उनकी खुशी के स्तर अलग अलग क्यों होते हैं जेनेटिकली तो एक ही पेरेंट्स हैं दोनों के आइडेंटिकल ट्विंस भी जो होते हैं उनका भी खुशी का पैटर्न डिफरेंट क्यों होता है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आती है कि जन्म जन्मांतर के हमारे जो संस्कार हैं जो हमारी यात्रा है कोई कहाँ खड़ा है कोई कहाँ खड़ा है इस यात्रा में डिफरेंट लेवल्स हैं सो वट्स एवर इज़ आवर एनपरामेंट हम अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ा ना सकते होते तो आ यहाँ आने का कोई फ़ायदा ही ना होता आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि वी कैन रीवायर आवर ब्रेन्स पहले ये एक मान्यता थी कि एक एज तक ही आपका आईक्यू भी बढ़ता है या आपका पैटर्न दिमाग का एक जैसा रहता है रिजिडिटी थी उसमें लेकिन आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि यू कैन रिवायर योर ब्रेन थ्रू आउट योर लाइफ एज ए रिजल्ट ऑफ वट वी डू एंड हाउ वी थिंक कैसे हम सोचते हैं हम क्या करते हैं उससे हम अपने आप को इसके लिए मेंटल एक्सरसाइज भी की जा सकती है अगर हम थोड़ी देर के लिए आपको कहें मुस्कुराओ और आप इस मुस्कुराने को कॉन्शियस एफर्ट बनाते हैं जबरदस्ती मुस्कुराते हैं कुछ समय बाद ये आपका स्वभाव संस्कार बन जाएगा तो एज पर न्यूरो साइंटिस्ट बाई डेलिब्रेटली थिंकिंग हैप्पी थॉट्स वी कैन बिल्ड न्यू कनेक्शन इन आवर ब्रेन नए न्यूरोन्स बन जाते हैं ब्रेन के अंदर हैप्पीनेस के तो इस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं फिर आता है कि कई लोग जो है सेंसुअल प्लेजर्स को जो इंद्रिय सुख हैं जिसके लिए आजकल हम लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी खाओ पियो मौज करो कल किसने देखा है और कोई डिस्कोथेक्स में जा रहे हैं कोई कहाँ जा रहे हैं इन्हीं चीज़ों में लगे हैं जो इंद्रिय सुख हैं जिनको हम कहते हैं ये क्षणिक टेम्परेरी हैं एफिमरल है और भारत के अंदर एक दर्शन है चारवाक दर्शन उसकी फिलासफी क्या थी उसकी फिलासफी थी यावत जीवेत सुखम जीवेत कृत्वा करृतम पीवेत जब तक जियो सुख से जियो कर्जा लेके घी पियो जब तक जियो सुख से जियो कर्जा लेके घी पियो भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुता एक दिन ये शरीर तो भस्मीभूत हो जाना है तो वो जो कर्जा लिया वो देने वापिस कौन आएगा इसलिए ईट ड्रिंक एंड बी मैरी ये भी एक सिद्धांत है कि हम हैप्पीनेस पा सकते हैं बट दोज आर प्लेजर्स नॉट दी हैप्पीनेस और ब्लिस आजकल हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात होती है कोई किस तरह से डिफाइन करते हैं कोई किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे कई उसके हैप्पीनेस इंडिकेटर्स हैं हम उन सब में नहीं जाएंगे वी हैव बिन लिसनिंग टू दिस फॉर द लास्ट थ्री फोर डेज हैप्पीनेस की सिंपल परिभाषा है डिज़ायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाई डिज़ायर्ज अनफुलफिल्ड जितनी डिज़ायर ज़्यादा फुलफ़िल होंगी और जो अनफुलफ़िल डिज़ायर कम होंगी उतना आपका हैप्पीनेस इंडेक्स होगा या दूसरे शब्दों में किसी ने कहा वेयर यू अस्पायर टू बी माइनस वेअर यू आर प्रेजेंटली आप कहाँ आज खड़े हैं और आप चाहते क्या, आपकी अपेक्षा क्या है आपकी आकांक्षा क्या है उसके बीच में जो गैप है उसको अगर हम डिफरेंट हेल्थ हैप्पीनेस पैरामीटर के लिए समअप कर देते हैं तो दैट विल गिव यू एयर हैप्पीनेस इंडेक्स तो इस तरह से कई तरह की परिभाषाएं वो दी हुई हैं हम उन सब की डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि समय की मर्यादा हमने रखनी है फिर है डिविनिटी हम सब के भीतर डिविनिटी है विवेकानंद ने कहा ईच सोल इज पोटेंशली डिवाइन शिव बाबा भी कहते हैं आप दिव्य आत्मा हो Each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity within. हम सब का लक्ष्य क्या है जीवन का कि जो हम सब के भीतर छिपी हुई वो भगवत्ता वो दिव्यता हम सब के भीतर है उसका प्रगटीकरण हम सबके जीवन का लक्ष्य है और जितनी वो दिव्यता हमारे भीतर प्रगट होती जाती है उतनी हमारी हैप्पीनेस वो भी प्रगट होती जाती है सो ईच सोल इज़ पोटेंशली डिवाइन द गोल इज़ टू मैनिफेस्ट द डि डिविनिटी विद इन आइदर बाई साइकिक और फिजिकल कंट्रोल डू दिस एंड बी फ्री दिस इज होल ऑफ द रिलीजन सारे धर्मों का सार क्या है वो जो दिव्यता हमारे भीतर छिपी है वो जो खुशी हमारे भीतर छिपी है जो उस वैसल के भीतर है उसको प्रकट करना हम सबका लक्ष्य है एक महात्मा थे उनके पास एक राजा आए उन उसने घोड़े के ऊपर हीरे जोहरात बहुत रखे हुए थे उसने कहा मैं कई महात्माओं के पास होकर आया हूँ मुझे सच्ची खुशी चाहिए मुझे किसी ने बताया है कि आप बहुत पहुँचे हुए संत हैं आप मुझे खुशी दे सकते हैं सच्ची खुशी का रास्ता बता सकते हैं तो उस महात्मा ने जब वो बात कर रहे थे उसी समय वो बैग पड़ा हुआ था हीरे जवाहरात का वो महात्मा ने बैग उठाया और दौड़ना शुरू कर दिया जैसे ही वो बैग उठा के हीरे जवाहरात का दौड़ना शुरू किया राजा सोचने लगा लोगों ने तो कहा था ये बहुत बड़ा महात्मा है और इसने तो ये तो कोई चोर नजर आता है जिसने हीरे जवाहरात उठा के और भागना शुरू कर दिया उस गांव की गलियों में कभी इधर घूमते गु, गु, कभी इधर घूमते राजा उसके पीछे पीछे और साधु आगे आगे तो वो सोचने लगा ये क्या है जब देखा महात्मा जी ने कि अब राजा थक गया है तो उसका थैला ऐसे फेंक दिया बैग ऐसे फेंक दिया जब बैग बैग फेंक दिया तो राजा ने एकदम उठा के उसको छाती से लगा लिया तो उसने पूछा खुशी मिली आनंद मिला तो राजा कहता है जी बड़ा खुशी मिली बहुत आनंद मिला कहते देखो ये तो तुम्हारी ही वस्तु थी मैंने तुम्हें ही वापस कर दी है कोई मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं है ऐसे ही यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी जी भी हम सबको बताती हैं कि हमारी खुशी हमारे पास है उसी को जागृत कर लेना है उसी को प्रकट कर लेना है